सो गाइस काफी बोर हो रहा हूँ घर पर, मतलब सो हे गाइस सलाम नमस्ते और कैसे हो आप लोग। तो गाइस स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग रेलवेली ब्लॉग चैनल में। चुप है। सो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज है ईद, मैं नहीं मानता। और गाइस सबको ईद मुबारक मेरी फैमिली की तरफ से, सबकी फैमिलियों को। और गाइस काफी ज्यादा अच्छी हो सबके लिए ये ईद। और गाइस मैं तो ये कहता हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, गाइस मैं अल्लाह से आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि इस ईद पे सबको ढेरों सारी खुशियां मिले और सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दें और गाइस काफी मजा करें इस ईद पर। और गाइस मैं मतलब अभी आपका भाई भी नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, मतलब अभी तैयार होऊंगा मैं, अभी तैयार नहीं हुआ तो अभी कोई मतलब आधा पौन घंटा है, 7:30 बजे की नमाज है यहाँ पर। सो गाइस अभी मैं थोड़ी बहुत देर में तैयार होने वाला हूँ और सब लोग तैयार हो रहे हैं, मतलब भैया सब नहा रहे हैं, भैया पापा, तो अभी भैया नहा कर निकलते तो मैं भी तैयार होने वाला हूँ और फिर नहा कर तैयार होकर गाइस नमाज पढ़ने वाले हैं, फिर नमाज पढ़ने जाएंगे ईद की। तो 7:30 बजे के टाइम पर नमाज है, सो मतलब जल्दी जाने वाले गाइस। सो गाइस आप लोग भी नमाज पढ़ना और अपनी फैमिली के साथ रहना, अपनी फैमिली के साथ ईद बनाना गाइस, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ईद पे। और गाइस ब्लॉग में कंटिन्यू रहना। सो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मेरे न्यू ब्लॉग जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए गाइस। ए चुप है। सो जिन लोगों ने मेरा मतलब सफाई वाला, जो ईद की सफाई वाला ब्लॉग नहीं देखा है, सो गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, तो आप लोग वहां जाकर उस ब्लॉग को देख सकते हैं गाइस। सो गाइस चलते हैं, तैयार होते हैं भाई ईद की नमाज के लिए, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं गाइस। तो चलते हैं, तैयार होते हैं गाइस। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको और सबको ईद मुबारक। सो गाइस आपका भाई आ गया नमाज पढ़ के ईद की और काफी अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया, सबसे ईद भी मिली। सो अभी मैं सबसे मतलब बाहर सबसे ईद मिल आया, अब मैं घर पे ईद मिलूंगा और घर पे दिखाएंगे हम कि क्या क्या बन रहा है गाइस आज। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो आज कुछ नया बन रहा है, सब कुछ मतलब काफी पकवान बनेंगे क्योंकि ईद का मतलब ही यही है भाई, मीठी सिमई खाना और मतलब जो फैनी बनती है वो खाना, काफी मतलब अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। तो मैं दिखाने वाला हूँ गाइस कि आज हमारे घर वाले क्या बना रहे हैं। सो काफी अच्छा लग रहा है भाई नमाज पढ़ के और सबसे ईद भी मिलेंगे, तो चलते गाइस दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या क्या बन रहा है घर पे। तो चलते हैं। तो हमारी लूला बना रही है देखते हैं क्या बना रही है हमारी लूला, क्या बना रही है लूला। सो यहाँ पर देखिए ये क्या बनना है, ये क्या दही बड़े की चटनी, ये दही बड़े की चटनी बनाई है लूला ने, मतलब इमली निकाल के सब। अच्छा, और ये देखिए इमली की चटनी बनाई है और ये बेसन का, ये क्या बेसन है, दाल है, ये दाल है, दाल और यहाँ पर देखिए दाल पीस रही है, ये दाल पीसी जा रही है और हमारी लूला दाल पीस रही है और इन्हें ये दाल पीसी हुई है। अच्छा, और यहाँ पर देखिए सिमई लगी है, हमें सिमई और नहीं बनाई, हाँ मतलब तो मतलब साले। सिमई बन रही है, सिमई बन रही है और यहाँ पर इनका दाल का क्या बना रहे हैं, दाल का बड़े, अच्छा अच्छा दही यहाँ पर बन रहे हैं, दही बड़े और ये देखिए दही बड़े बना रही है मम्मी और ये रखा है दही, अभी बिरयानी बनेगी, थोड़ी बहुत देर में बिरयानी भी बनाएंगी, तो बिरयानी खाएंगे, अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे आज, तो मौज है अपनी मौज। मम्मी बिरयानी बनाएंगी, बिरयानी भी बनाएंगी। अरबाज भाई आ चुके हैं लेते भाई, और अरबाज भाई बढ़िया साहब, बढ़िया बस, और भाई मस्त लग रहा भाई हमारा है।
गजब लग रहा भाई हमारा। और सब लौटने कहाँ गए पता नहीं, शायद अब रात। सो गाइस और भी लड़कों को ढूंढते हैं और फिर सबसे ईद मिलते हैं। तो अभी अपने दोस्तों से ईद नहीं मिली है तो उनसे भी मिलना है, तो उन लोगों को देखते हैं फिर उनसे ईद मिलते हैं भाई। सो मस्जिद में मिले थे फिर उसके बाद कोई मिला नहीं, तो गाइस चलते हैं और जो भी दोस्त मिलेंगे सबसे ईद मिलेंगे। ईद मुबारक हो भाई और बढ़िया। और हमारी यूट्यूब फैमिली को भी बोल दो भाई कि समझ रहे हो। सो गाइस काफी बोर हो रहा हूँ घर पर। मैंने कुछ पूछा पर मतलब पहले सुबह नमाज पढ़ने गया, फिर उसके बाद आया, फिर मतलब घर पर ही था, फिर मैं दोस्तों से मिलने गया गाइस। सो मतलब मिलकर आ गया घर पर, दोस्तों को भी मैंने घर पर बुलाया, उनको भी खिलाया पिलाया थोड़ा। सो गाइस मतलब फिर वो लोग चले गए तो मैं जब से घर पर ही लेटा हुआ हूँ, घर पर ही बैठा हुआ हूँ और खा ले रहा हूँ। कुछ कभी मन कर रहा है तो कुछ खा ले रहा हूँ, कभी कुछ कर ले रहा हूँ, पर मतलब मन नहीं लग रहा है थोड़ा। और कभी बोर हो रहा हूँ घर पर, आराम से लेटा हुआ हूँ, बैठ जाता हूँ कभी। सो अभी भी अम्मी ने मतलब पापड़ सेक लिए हैं, पापड़ तल लिए हैं, तो बस वो अभी बुला रहे हैं और चलते हैं, देखते हैं पापड़ खाते हैं भाई। तो मतलब आज तो पूरे दिन यही काम है, खाना है और फिर बस लेट जाना है, बैठ जाना है, खाना है, लेट जाना है, बैठ जाना है, यही करना है पूरा दिन। और इस मतलब इसका मतलब ही यही है, यही करना है और करेंगे भी क्या, कहीं जाने का प्लान बना भी रहा था तो फिर मैं गया नहीं गाइस। तो चलते हैं गाइस पापड़ खाते हैं, देखते हैं भाई कैसे पापड़ तले भाई मम्मी ने। सो हमारे आरिस भाई, बाजी और भाई तीनों लोग आ चुके हैं भाई। सो कई लोग तो चले गए भाई, काफ़ी लोग चले गए, आसिफ भाई चले गए, अरवाज चला गया और पापा के भी कुछ रिश्तेदार आए थे। सो गाइस आज ईद के दिन जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ मैंने अपने इस ब्लॉग में दिखाया गाइस। तो मतलब काफ़ी मज़ा आया भाई आज की ईद के दिन, काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी लोग भी आए थे, मतलब बाजी आई थी, भाई आए थे और वो लोग तो अभी भी घर पर हैं। हमारे आरिस भी आया है और गाइस आसिफ भाई आए थे, अरवाज आया था। सो मतलब काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। सो गाइस मतलब बाहर घूमने मैं इसलिए नहीं गया था, मतलब कहीं भी घूमने इसलिए नहीं गया था क्योंकि घर वाले बोलते हैं भाई कि त्यौहार जो होता है वो अपने घर वालों के साथ मनाना चाहिए और घूमने फिरने के लिए तो काफ़ी टाइम होता है, कभी भी घूमने चले जाओ। सो कभी भी घूमने जा सकते हो भाई। सो इसलिए मैं मतलब आज ईद के दिन इसलिए कहीं घूमने नहीं गया, सब लोग आए थे तो इसलिए मैंने सबके साथ टाइम बिताया और काफ़ी अच्छे अच्छे पकवान भी खाए, काफ़ी मज़ा आया भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और काफ़ी चीज़ें खाई ऐसी जो डेली में नहीं खा सकते गाइस। सो बहुत ही अच्छा लगा। और गाइस आज का ब्लॉग इतना ही, और गाइस मतलब ब्लॉग को पूरा देखना और काफ़ी मज़ा आएगा आपको मेरे ईद वाले ब्लॉग में। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मेरे न्यू ब्लॉग जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए गाइस। सो काफ़ी मज़ा आएगा भाई और आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। सो इस ब्लॉग को पूरा देखना, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।